भी घुटना तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता था, और मेरे को बैठने के बाद तो बिल्कुल भी उठने के लिए सहारे लेके उठना पड़ता था मेरे को। ये पेन किसी भी मतलब ड्यूरेशन कितनी थी? पूरे 24 घंटे पेन था या फिर आता रहता ऐसे रहता? 24 घंटे रहता रहा 24 घंटे का। तो इनको फर्स्ट इंजेक्शन लगा था 4 जुलाई को और आज 24 जुलाई। आज इनको देखते हैं कि इनको फर्स्ट इंजेक्शन के बाद से अभी कितना रिलीफ है। सर आपको पहले से अब तक कितना रिलीफ है? मेरे को मैडम जी हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीपिका, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एट ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी। फ्रेंड्स आज हमारे जो पेशेंट है मिस्टर जगमेंदर, ये 20 ईयर ओल्ड हैं, ये पानीपत से हैं। इनको पिछले 5 से 6 साल से कमर का दर्द है जो कि इनके पैरों में रेडिएट कर रहा है, मेनली लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से इनको चलने में, बैठने में, खड़े होने में काफ़ी दिक्कत थी। ये बाय प्रोफेशन स्पोर्ट्स पर्सन है। जैसे कि इनको 2015 में पेन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से इन्होंने मतलब स्पोर्ट्स भी छोड़ दिए अपने, मतलब पेन की वजह से ये स्पोर्ट्स कर भी नहीं पा रहे थे। इनको पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, भारीपन की काफ़ी प्रॉब्लम थी जो, और इनको बैठने में, चलने में, खड़े होने में काफ़ी पेन था। तो इनको फर्स्ट इंजेक्शन लगा था 4 जुलाई को और आज 24 जुलाई। आज इनको देखते हैं कि इनको फर्स्ट इंजेक्शन के बाद से अभी कितना रिलीफ है। सर आपको पहले से अब तक कितना रिलीफ है? मेरे को मैडम जी 60 से 70% तक आराम रहता आराम है, है, और बेड रेस्ट के टाइम तो बिल्कुल 100% तक सौ मेरे परसेंट को आराम कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आपको ये पेन कब से है? मेरे को पेन मैडम जी 2015 के आसपास से पेन हुआ था अच्छा, मेरे को ये मैडम पेन स्टार्ट, स्टार्ट कैसे हुआ था आपको? स्पोर्ट्स खेलते टाइम भी क्या हुआ था स्पोर्ट्स मैडम खेलते जी, हो आप? रेसलिंग रेसलिंग, तब स्टार्ट हुआ था। तब स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इस पेन की वजह से आपको पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, भारीपन, ऐसा लगता है कि वीकनेस, चलते टाइम वीकनेस आ रही है, ऐसा बिल्कुल कुछ? भी घुटना तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता था, और अच्छा, मेरे को बैठने के बाद तो बिल्कुल भी उठने के लिए सहारे लेके उठना पड़ता था मेरे को। ये पेन किसी भी मतलब ड्यूरेशन कितनी थी? पूरे 24 घंटे पेन था या फिर आता रहता ऐसे रहता? 24 घंटे रहता रहा चौबीस मेरे घंटे को का पेन था। जी, चलने में पेन? चलने चलते टाइम भी कितने एक स्टेप चल पाते थे आप, 500 या 600 मीटर तक चल चलने के पाते थे? बाद तो बहुत ज्यादा पेन हो जाता था जैसे स्टार्ट। अपने बैठ के चलना स्टार्ट किया तभी पेन स्टार्ट हो जाता था या फिर कुछ टाइम के बाद पेन स्टार्ट होता नहीं, है? कैसे भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कहीं से बैठा हूं लेट के चल रहा हूं तो तुरंत उठते ही पेन पेन स्टार्ट स्टार्ट है। स्टार्ट और हो जाता बैठने था, में? बैठने में भी पेन होता है मेरे बैठने को। में पेन। हाँ, और जैसे आप खड़े होता उस टाइम पे, जैसे लॉन्ग खड़े स्टेप्स खड़े करते रहने में हो, भी खड़े बिल्कुल रहने पैर पे? टिक ही नहीं पाता था मैं, राइट राइट पैर से ही मतलब खड़ा हो खड़े पाता था हो, उस पूरा सारे वेट डर में। राइट पैर हाँ, को राइट देके पैर लेफ्ट पे, को? हाँ लेफ्ट हो एक बार लेट जी, एसएलआरटी चेक करते हैं। जी, पहले आप पैरों कितना उठा पा रहे थे इसको? यहां तक उठता रहा मैडम जी 20 डिग्री तक उठा जी पा जी रहे जी थे जी और अभी स्ट्रेट करके उठाना है, जहां पेन स्ट्रेच लगे रोक देना यहाँ यहाँ पे 90%। जी जी अब पूरा 90% जी उठ रहा जी है पैर, तो जी कोई जी प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं नहीं है, कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं कोई है? नहीं। ठीक है, उठ के बैठ जाओ। एक बार चल के दिखाओ भी चलने में कितना पेन है या फिर पेन स्टार्ट होता है नहीं होता है। अभी नहीं, अभी बिल्कुल नॉर्मल है मैडम जी। नॉर्मल है, मतलब पेन नहीं होता नहीं, चलने पेन में? नहीं होता अब ठीक है। झंझनाहट जो थी पैरों में, वो नहीं, बहुत कम है मैडम जी। फीट में आप बोलते जैसे सुन्नपन रहता है। जो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद जैसे आपने वो बता रखी है वो करनी है, तो उसके बाद थोड़ा सा खिंचावट होता है बैक बैक की साइड में, लेफ्ट पैर के अंदर, और बाकी तो बिल्कुल ठीक ही रहता है, नॉर्मल तो एक्टिविटी स्ट्रेच ही मोबाइल है, की पेन तरह। नहीं जी है? जी स्ट्रेच ही ठीक है। है, बैठ जाओ। अभी आप कितने स्टेप चल लेते हो? अभी मैं 5 किलोमीटर के आसपास चल कर लेते लेता हो, हूँ और मॉर्निंग सिटिंग वॉक, सिटिंग भी और हो जाती स्टैंडिंग है, कोई दिक्कत स्टैंडिंग नहीं में कोई आती? दिक्कत नहीं मैडम जी मेरे को। अच्छा, फर्स्ट इंजेक्शन के बाद से 50 से 60% रिलीफ है आपको? जी 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 अच्छा, तो अभी सेकंड इंजेक्शन है आज आपका, जी लगता है आप ठीक हो जाओगे? अभी मेरे को श्योर लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा श्योरिटी है ठीक हो जी, जाओगे? क्योंकि अच्छा ठीक है, तो अब तक कहीं पे भी मेरे को आराम महसूस नहीं हुआ पहले था। आपने ट्रीटमेंट कहाँ पे कहाँ पे लिया? और ट्रीटमेंट मैंने 6 से 7 डॉक्टरों के पास ले चुका हूँ, रोहतक में ले अच्छा। चुका हूँ, पानीपत, दिल्ली के अंदर भी ले चुका हूँ, काफ़ी डॉक्टर के पास, और मैं लगातार 6 से 7 साल से लगातार थेरेपी करवा रहा था थेरेपी भी अभी। करा रहे हो, उससे भी रिलीफ नहीं नहीं, है? उससे रिलीफ नहीं होता था, उससे रिलीफ हो अच्छा, जाता था तुरंत चलने के बाद, फिर स्टार्ट हो जाता था दर्द वापिस से फिर जी। थोड़ा ठीक है, सीधे लेट जाओ। तो फ्रेंड्स इनको फर्स्ट इंजेक्शन के बाद से 50 से 60% रिलीफ है। अब इनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये ठीक हो भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं, इन्होंने बताया कि इनको इंजेक्शन में रिलीफ है, ऐसे ही आपके 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 जानने वालों की सभी कोई समस्या है, शियाटिका का पेन है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, नी अर्थराइटिस है, हील पेन है, ऐसी भी कोई भी आपको समस्या है तो आप अपनी रिपोर्ट हमारी टीम का शेयर कर सकते हैं, और रिपोर्ट शेयर करके फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। आगे भी आपको इस तरह की हर टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।